हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक्स, वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पोर्टेंट थिंग्स विद यू ऑल गाइस। हमारे पास आरआरबी जेई का CBT 1 प्लस CBT 2, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, 777 का है ना। जो भी अगर आपको टेक्निकल का सारे सब्जेक्ट्स एंड आपके एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गए, उनका सारा डिटेल लेक्चर इस कोर्स में है और बहुत ही चीप प्राइस में है। जो लोग CBT 1 की तैयारी करना चाहते हैं, केवल जिनका टेक्निकल हो रखा है, ठीक है, जैसे आपका टेक्निकल हो रखा है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उसके लिए आपको ऐसे थोड़ी है ना कि आप फिर से CBT 2 का ही पैसा दो। तो आप CBT 1 में आप जाके इनरोल हो सकते हो, 499 का ही है, इसमें GST इंक्लूसिव है, ठीक है। 499 और 777 के अलावा आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने हैं, और काफी उम्दा कोर्स है, काफी बच्चे लेकर इससे लाभान्वित हैं। और आपको भी ये काम करना चाहिए कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए सच में बहुत सीरियस हो, तो देखिए 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं, ठीक है, 22 से 23 लाख ऐसा कुछ डेटा है। अगर 23 लाख में क्या सभी सीरियस है? नहीं, सभी सीरियस नहीं है। सीरियस वो है जो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ ही पढ़ाई करेगा और एक कोई एक अच्छी कोचिंग के साथ नाम जोड़ेगा, और उसके बाद या फिर खुद से ही सेल्फ स्टडी एट सिलेक्टेड, और एक जो होता नहीं है स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेक्चर्स देखेगा या स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स से पढ़ेगा, तो सिलेक्शन वहीं से होता है। ये यूट्यूब में इधर उधर बफर करने से, इधर उधर जंप आउट करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छे से, और नहीं जानते तो समझ लीजिए। तो CBT 2 में हमारे पास सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, है ना, सारा सारा सब्जेक्ट का बहुत ब्रीफली कवर्ड है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं। आपको जो देखना, हमारे पास दो सेक्शन है, एक प्रेफर्ड सेक्शन है, एक सेकेंड ऑप्शन है। तो प्रेफर्ड सेक्शन में ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चों को ज्यादा प्रेफर्ड है, जो बच्चों को ज्यादा समझ में आया, वैसे भी लेक्चर्स हैं, और कुछ जो सेकेंड ऑप्शन है वो भी प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग की सारी डिटेल क्लास अवेलेबल है हमारे पास, और समय समय पर करंट अफेयर्स भी हम अपडेट करते रहे, ठीक है। तो अभी 7900 पोस्ट है, आई होप कि ये 3000 पोस्ट और बढ़ने वाली है जहां तक मेरी खबर है, तो इस चीज को अकाउंट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास GATE 2025 का भी ये काफी अच्छा कोर्स है, GATE 2026 का भी आप देख सकते हो, 444 का कोर्स है, और GATE 2027 का भी कोर्स है, 6666। GATE 2025 का हमारे पास 2222 में है। तो जो बच्चे अगर बहुत ही चीप प्राइस में और बहुत ही अच्छे से तैयारी, बहुत ही क्वालिटेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट अकेडमी के साथ आप ये कोर्स एनरोल करें और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी धार दें। एंड आई होप कि अगले साल आप अच्छे से एक सिलेक्शन लेके आए, और 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष हो, और 2024 जो लोग SSC JEE CBT 2 का दे रहे होंगे, तो उनके लिए 2024 के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो GATE 2027, और इसके साथ एक बहुत जरूरी सूचना आप सबके लिए कि गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन कोर्स विद GATE 2026 एंड 2027 वाले कोर्स, मतलब ये 444 कोर्स के साथ और 6666 कोर्स के साथ स्मार्ट कोर्स और डोपामिन कोर्स दोनों ही अवेलेबल, पूरे मुफ्त है, ठीक है। तो आप इसको जाके एनरोल कर सकते हो, आप जाके हमारे ऐप बाई आउट कर सकते हो, ऐप चेक कर सकते हो, वहां पे आप जाके देख सकते हो, इवन यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप जाके रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही RRB JEE और SSC JEE का 777 में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC JEE 2025, राइट। तो आपको अच्छे से आप तैयारी करो, बहुत अच्छा समय है वैकेंसी का, है ना, आपको हर चीज आने वाली है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो एंड आपको करनी है कैंपस की तैयारी, कंपनी आ रही होंगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज आ रही होंगी या फिर कोई भी कंपनी आ रही होंगी, ठीक है, तो आप जाके इवन एमटेक वाले भी कुछ लोग एनरोल हो सकते हैं इसमें। एमटेक वाले को ये सब जो एमटेक कर रहे होंगे या उनके पास अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना होने, क्या क्या कैसे कैसे चीजें प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें बोलनी होती हैं, तो ये सारा चीज इस कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में है, मात्र 777 रुपीज में। ऑल स्टेट AE NJEE इस साल और अगले साल AE और JEE वैकेंसी की बहुत भरमार है, एंड यू आर वेरी लकी टू हैव इन दिस ईयर, समझे, बहुत लकी है आपकी, आपके सामने ये वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज अभी तो 2-3 सालों से कोविड आया और ये सब आया, तो ज्यादा वैकेंसी कुछ आई नहीं, बट अब देखिए RPSC AE हमारे पास, UPSC AE की भी खबर आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा,
ठीक है। एंड उसके बाद अभी एमबीपीएससीए की बात हो रही, बीपीएससीए का कुछ प्राइवेटाइजेशन वाला कल्चर चल रहा है, बट आई होप कि उसका भी निर्णय हो जाएगा कि मे बी सरकार कुछ डिसीजन ले इंजीनियरों के पक्ष में। तो ये सब सारा चीज आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का एई का वैकेंसी बहुत ज्यादा प्रीसियस, और मतलब डायरेक्ट आपको एसडीओ की पोस्ट मिलती है, जो रॉले वाली जॉब होती है, तो वो बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है। इतना तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जैसे वैकेंट नोटिफिकेशन आएगा और वैसे ही तैयारी करेंगे, तो नो एज, आपको कोई एज नहीं मिलता है, ठीक है। एंड आप बहुत परेशान हो जाओगे, 3 महीने में एग्जाम ले लेगा सरकार, सरकार का चीजें हैं निर्धारण उनका अलग तरीके से होता है, तो आप जानते होंगे सबकी, 3 महीना लेगा कभी एग्जाम कभी। अभी अभी बीपीएससीए वाला आया, आई थिंक जुलाई में आया, सितंबर में एग्जाम ले रहा था। अब मान लीजिए सितंबर में एग्जाम ले लेता, मे बी अभी तो नवंबर में पोस्टपोन कर दिया, ठीक है। अगर नवंबर में पोस्टपोन कर दिया, नहीं करता तो सितंबर में ही होता, और अगर नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहते तब तो फिर भाई फॉर्म तो भर नहीं पाते ना। तो दिस इज द इशू, दीज आर द थिंग्स, ठीक है। तो आप इसको अकाउंट करके रखो, एक समझदार आदमी हर चीज पहले से तैयार करके रखता है, ठीक है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन 555 कॉम्बो हमारे पास 999 में अवेलेबल है। ईएससी नॉन टेक का 777 में। ईएससी नॉन टेक में क्या है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं काफी अच्छे समय नॉन टेक में अब हाथ लगाने का, ठीक है, अभी समय कुछ नहीं गया है। एंड जो भी कर रहे होंगे एंड कर रहे, मतलब नॉन टेक तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए 2-3 महीने पहले, ठीक है। अगर नॉन टेक को आप धार देना चाहते हैं, कई चीजें नहीं समझाती, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारा चीज अगर आपको रिवाइज करना है तो इतने सस्ते कॉम्बो में एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा। आप वीडियो 1.5x और 2x में देखोगे तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है ना। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ सब्जेक्ट्स आपने कर रखे हैं, जैसे सॉइल कर रखा है, आपने एफएम कर रखा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंग फॉर परचेजिंग द कोर्स फॉर सॉइल एंड एफएम, इजंट इट लॉजिकल, है ना। तो इसी के लिए सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जाइए हमारे वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर बात करिए, नहीं तो वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहां पे आपको सारा चीज पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे आपके पास और क्या क्या है, ठीक है। आप देख सकते हो गेट अकेडमी आपके लिए क्या क्या कर रहा है। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डिटेल्स है ना, फॉर ये फॉर 2025 के लिए। अब तो गेट में टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है बेसिक लेवल, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है एडवांस लेवल, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। हर एक टेस्ट को गेट में, गेट एग्जाम को अगर आपको अच्छे रैंक के साथ निकालना है, अच्छे आईआईटी से एमटेक करना है, अच्छे एनआईटी से एमटेक करना है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन को आपको टेस्ट से देना होगा। बिना टेस्ट दिए ये बात आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बात को आप बहुत अच्छे समझिए कि बिना गेट, बिना टेस्ट सीरीज में हाथ लगाए और 3-4 कोचिंग से, एक कोचिंग का क्या होता है, अगर आप एक ही कोचिंग का लोगे तो उसमें पैटर्न एक ही रहता है उन सबका, कि वो लोग एक बड़े चंक से क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से वो लोग करते हैं। ऐसे ही आपको 3-4 कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। बिना आपको वैरिड एक्सपीरियंस होने, बिना नहीं होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे, तो वो सब सारा चीज आपको ये टेस्ट सीरीज ही एज देगी। तो बिना टेस्ट सीरीज के तो आप बैठ के अगर जाओ, अगर बैठोगे एग्जाम में, तो आई डोंट थिंक दैट, सॉरी टू से, बट आई डोंट थिंक दैट कि आप रैंक ले आ पाओगे। अच्छी क्वालिफाइंग नंबर आ सकते हैं, बट रैंक अच्छी तभी आएगी जब 3-4 टेस्ट से गो थ्रू हो, राइट। तो ये सब आपको अकाउंट करना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल 10 टेस्ट है, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल 10 टेस्ट है, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है 10 टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है 100 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, प्लीज नोट इट। फुल लेंथ मॉक गेट पूरा है 10 टेस्ट, है ना, तो इसको आप अकाउंट करके रखो। इसके साथ गेट सिविल की पीवाईक्यू की ई बुक भी अवेलेबल है हमारे पास, प्राइस है 222 में, ठीक है, और प्लस जीएसटी इसमें अलग से। गूगल ई बुक का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आरसीसी एंड स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस पीवाईक्यू की वॉल्यूम बुक में, ठीक है। और आप देख सकते हो कि 38 ईयर्स का, ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मली इसको लोग प्रोवाइड नहीं करते। 38 ईयर्स का जो ये यहाँ पे है ना चंक, ये बहुत जरूरी है कि आपको वैलिड एक्सपीरियंस से गो थ्रू होना पड़ेगा। बिकॉज आप, मैं मानता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और पीवाईक्यू लगाओगे, आप अगर आप उसको
मतलब क्या कहूंगा मैं, रटना तो नहीं चाहिए बट इतना आप गो थ्रू हो जाओगे अगर कि आप टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू अच्छे से कर रहे हो तो आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप केवल पीवाईक्यू कर रहे हो ढंग से एंड यू आर मगिंग अप ऑल द फॉर्मूलाज देन 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो इसको भी एक आप अकाउंट करके रख सकते हो। गेट सिविल पीवाईक्यू Volume 2 है ना, तो यहाँ भी 38 ईयर्स का है, इसकी भी प्राइस 222 है। इसमें क्या क्या है Volume 2 में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फ्लूड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी है, इरीगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारा चीजें आप देख सकते हो कि 800 पेजेस में लगभग अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि काफी अच्छा सब डिजाइन है, 38 ईयर्स में टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है। आप देख सकते हो टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स, तो यू कांट इसको टेक आप लाइटली नहीं ले सकते, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट है। इसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से क्या कहा जाए बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड ये सारी चीज कर रहे हैं एंड इसके साथ आप मैथमेटिक्स भी कर रहे हो साथ में, तो 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं गए। एक तो पीवाईक्यू लगा लोगे और केवल पीवाईक्यू अगर लगा रहे हो तो 30, अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस सिविल इंजीनियरिंग का ये जो 2 पीवाईक्यू लगा लिए तो हमको नहीं लगता कि 45 नंबर आपके कहीं गए हैं। मैं एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, काफी तैयारी किया हूं मैं भी और तो मैं जानता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, अगर आप इतना कर रहे हो तो बहुत है। तो ठीक है, फिर चलिए बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर। हम बात कर रहे थे वाटर डिमांड एंड इट्स सोर्सेस के बारे में, अभी तक हम लॉसेज ये सब सारी चीज डिस्कस किए थे कि लॉसेज वेस्टेज एंड थेफ्ट में 55 लीटर होता है पीसीडी, फायर डिमांड में 15 लीटर पीसीडी, पब्लिक यूज में 25 लीटर पीसीडी, इंडस्ट्रियल डिमांड में 40 लीटर पीसीडी एलपीसीडी है ना, डोमेस्टिक वाटर डिमांड में 135 लीटर पीसीडी, ये सारा चीज। इसके साथ जो टोटल डिमांड आ रहा था वो हमारे पास 270 लीटर पीसीडी आ रहा था। इसके साथ हमने कुछ डोमेस्टिक वाटर डिमांड और ये सब सारी चीज के बारे में डिस्कस करा था। फायर डिमांड फॉर्मूला के बारे में हम लोगों ने देखा था कि कुचलिंग फॉर्मूला क्या कहता है, 3182√P। आप सब भी मेरे साथ रिवाइज करते चलेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप सबको भी करना है। फ्रीमैन 1136P/5+10 होता है, पॉपुलेशन है यहाँ पे, ठीक है। बोस्टन क्या फॉर्मूला है इसका, 5663√P। नंबर 4 नेशनल बोर्ड ऑफ फायर अंडर राइटर्स फॉर्मूला, ठीक है, फॉर P<2 लाख, तो 4637√P1-√P/100, ठीक है। तो इसको आप लोग अकाउंट करके रखोगे, ये सब फॉर्मूले भूलने लायक नहीं है। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बिना इस फॉर्मूले के, तो मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि बिना इस फॉर्मूले के आपका एग्जाम में क्वेश्चन पेपर नहीं बनेगा, इतना कॉन्फिडेंस तो मैं रखता ही हूँ उतना सा। तो इसके बाद हम देख रहे थे कि मैक्सिमम डेली डिमांड, एवरेज डेली डिमांड, मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज आपको देखना है कि ये क्या होता है। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या कह रहा है, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड डेली डिमांड प्लस फाइव डिमांड मैक्सिमम आवरली डिमांड। अगर आपको ये सब सारी चीजें पता करनी है तो आप जाके ये वाला कोर्स परचेज करो, ठीक है, तो आप ये जाके परचेज कर सकते हो, काफी अवेलेबल प्राइस में CBT 1 CBT 2 सारे की तैयारी अवेलेबल है। इसके साथ ही हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स की हम बात कर रहे थे कि अरिथमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड क्या होता है, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड क्या होता है, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड में क्या होता है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड में क्या होता है, ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, इन सब के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड कहाँ अप्लाई करते हैं, कौन से शहर में, जैसे कि अरिथमेटिक इंक्रीज ओल्ड एंड ओल्ड सिटीज में अप्लाई करते हैं, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड किसी और शहर में अप्लाई करते हैं, किसी और प्रकार के शहर में अप्लाई करते हैं जहां आबादी तेजी से बढ़ रही होती है या कंपाउंडिंग होती है। तो ये सारा चीज आपको अकाउंट करके रखना है, राइट, आपको भूलना नहीं है कुछ भी। इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एंड यू कैन रिफर इट लेटर ऑन। मैक्सिमम डेली डिमांड इक्वल टू 1.8 × एवरेज डेली डिमांड, ठीक है, मैक्सिमम आवरली डिमांड क्या होता है, इक्वल टू 1.5 × एवरेज आवरली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे, इक्वल टू 1.5 × मैक्सिमम डेली डिमांड बाय 24, इक्वल टू 1.5 × 1.8 × जो आप देख सकते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वही इसमें जस्ट नीचे की वैल्यू पुट हो गई है, 1.8 × एवरेज डेली डिमांड बाय 24 इक्वल टू 2.7 × एवरेज एनुअल डिमांड बाय एवरेज आवरली डिमांड। तो ये सब सारी चीजें हैं। इसके साथ ये स्लाइड भी बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाती है आजकल के MCQs में, ये सारा स्लाइड बहुत पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम आवरली डिमांड बाय एवरेज आवरली डिमांड इज इक्वल टू 1.5, मैक्सिमम डेली डिमांड बाय एवरेज डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.8, मैक्सिमम वीकली डिमांड बाय एवरेज वीकली डिमांड इज इक्वल टू 1.48, मैक्सिमम मंथली डिमांड बाय एवरेज मंथली डिमांड इज इक्वल टू 1.28। सो यू आर नॉट एडवाइज्ड टू फॉरगेट ऑल दिस फॉर्मूला, टू फॉरगेट ऑल दिस फॉर्मूलाज,
ठीक है, आप इसको एग्जाम में जब बैठोगे तो ये सारा फॉर्मूला एक बार ये सीरीज मेरा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन, अगर पीक फैक्टर पॉपुलेशन में क्या रिलेशन है, लेट्स सी, लेस देन 50K है तो 3, 50 से 2 लाख है तो 2.5, ग्रेटर देन 2 लाख है तो 2। पीक फैक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन ऑफ कैपेसिटी, ये सारा चीज आपको देखना है। इसके साथ हमने वाटर डिमांड रिसोर्स को खत्म कर लिया, अब हम लोग फिजिकल पैरामीटर में बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग सस्पेंडेड सॉलिड डिस्कस करेंगे, टर्बिडिटी डिस्कस करेंगे, कलर, टेस्ट एंड ऑर्डर, टेम्परेचर, है ना। इसके साथ आपको ये भी देखना है कि टर्बिडिटी कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की टर्बिडिटी होती है, राइट, मतलब 4 मेथड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जैक्सन टर्बिडिटी मीटर हो गया, बेलीज टर्बिडिटी मीटर हो गया, नेफ्लो मीटर हो गया, तो ये सारा चीज आपको डिस्कस करके रखना है। कलर की क्या यूनिट होती है, तो 5 से 15 हेजन होती है। टेस्ट एंड ऑर्डर, तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर ए नॉट मोर देन 3, शुड नॉट बी मोर देन 3, तो ये आपको अकाउंट करके रखना है। अगेन केमिकल पैरामीटर की हम लोग बात करते हैं तो TDS, ठीक है, 500 से 2000 PPM, अल्कैलिनिटी 200 से 600, pH 6.5 से 8.5, हार्डनेस 200 से 600 mg/L, क्लोराइड कंटेंट 250 से 1000 mg/L, नाइट्रोजन कंटेंट जो हमारे पास होते हैं, वो 4 तरह के नाइट्रोजन कंटेंट का हम लोग इसमें चेकआउट करते हैं, जैसे फ्री अमोनिया हो गया, ऑर्गेनिक अमोनिया हो गया, नाइट्राइट हो गया, नाइट्रेट हो गया। सो आपको ये सारी चीजें भूलनी है, और इसमें सबका लिमिट है बच्चों, ठीक है, सबका लिमिट है, इसको आपको याद करना है। फ्लोराइड कंटेंट क्या है, तो 1 से 1.5 mg/L, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या है, तो विंकलर मेथड से निकालते हैं, ठीक है, तो ये सारा चीज आपको अकाउंट करके रखना होगा। नथिंग कम्स इजी, यू हैव टू रिमेम्बर ऑल दोज थिंग्स। बायोलॉजिकल पैरामीटर पे हम बात कर रहे थे, पैथोजेनिक बैक्टीरिया क्या होती है, ई कोलाई क्या होती है, टेस्ट ऑफ कोलिफॉर्म क्या होता है, MFT क्या होता है, MPN क्या होता है, कोलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट क्या होता है, ठीक है, तो ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, मैक्सिमम प्रोबेबल नंबर टेस्ट फेजेस क्या होता है, प्रिजम्पटिव टेस्ट, कंफर्म टेस्ट, कंप्लीटेड टेस्ट, तो ये सारा चीज टेस्ट के प्रकार है आपके। मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये भी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बाई MPN टेबल, बाई पोजन डिस्ट्रीब्यूशन, थॉमस इक्वेशन, ठीक है, ये सारा चीज आपको अकाउंट करके रखना है। वाटर ट्रीटमेंट में अब आएंगे हम लोग, यहां तक हम लोग फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर ऑफ वाटर डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद हम लोग, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने अभी तक दो चीज डिस्कस कर ली, एक वाटर डिमांड, दूसरा फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर, तीसरा अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाटर ट्रीटमेंट। तो इस वाटर ट्रीटमेंट में आप देख सकते हो कि स्क्रीनिंग, प्री क्लोरिनेशन, एरेशन, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन एडेड, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइन्फेक्शन, वाटर सॉफ्टनिंग, माइनर ट्रीटमेंट, सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर अकाउंट, टेक इनटू अकाउंट व्हेन यू आर कंसीडरिंग वाटर ट्रीटमेंट। ओके, सपोज नाउ स्क्रीनिंग में हम जब बात करते हैं तो हमारे पास 2 तरह के स्क्रीन होते हैं, कोर्स स्क्रीन, फाइन स्क्रीन। आपको पता होना चाहिए कि कोर्स स्क्रीन का क्या डायमेंशन होता है, फाइन स्क्रीन का क्या डायमेंशन होता है, प्री क्लोरिनेशन क्या होता है, एरेशन कब और किसका करते हैं, जब अगर ऑक्साइड रहेगी या फिर आपके पास जो गैसियस अगर पानी में स्मेल है तो वो एरेशन से ठीक होगा। सेडिमेंटेशन में हमारे पास स्टोक्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, VS=G-1 γW d²/18µ, तो ये सारा चीज आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। कोएगुलेंट में आपको डिस्कस करना है एलम, ठीक है, एलम डोज एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल जो भी है, एलम के बारे में सारा आपको रिलेटेड न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, कॉपर, ठीक है, ओके। एंड उसके बाद कॉपरास, हमारे पास क्लोरिनेटेड कॉपरास है, यू हैव टू नो ऑल द बेसिक डिटेल्स, एंड इसकी जो pH वैल्यू होती है, ये सारा चीज आपको अकाउंट करके रखना है गाइस, ठीक है, भूलना नहीं है। pH रेंज क्या है, किस pH रेंज में कोएगुलेंट काम कर रहा है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कोएगुलेंट के बाद pH रेंज का क्या होता है, तो ये सब सारे चीज, ठीक है। और इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ कोएगुलेशन, 4 तरह की मैकेनिज्म होती हैं, तो जिसको आपको अकाउंट करके रखना है। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि कोएगुलेशन तक हमने कर लिया, अब हम बात करेंगे, देखिए ये वाली स्लाइड पे आइए, आपको पता चलेगा कि कोएगुलेशन के बाद, कोएगुलेशन हो गया, फ्लॉकुलेशन कोएगुलेशन के बाद ही बनता है, फ्लॉक बन जाता है, तो वो सेटल आराम से हो जाता है, बड़े बड़े कोएगुलेट रहेगा वैसे चिपक जाएगा, तो दे बिकम फ्लॉक एंड दे सेटल डाउन। आफ्टर दैट वी विल डिस्कसिंग फिल्ट्रेशन नाउ, ओके, वी विल बी डिस्कसिंग फिल्ट्रेशन इन डिटेल। फिल्ट्रेशन, अब जो कोगुलेंट पार्टिकल्स थे,
वो जब ऐसे जुड़े, फ्लॉक बने और वो सेटल हुए, अब भाई उसको पानी से बाहर भी तो निकालना है, तो उसी को निकालने का मेथड है फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन हम कैसे करेंगे, क्या 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 हम लोग इसमें रिमूव करेंगे बताइए। हमने आपको बताया ना अभी, जो मैंने फ्लॉक सेटल करवाया, फ्लॉक्स फ्लॉक्स को फिल्ट्रेशन करेंगे। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कर सकते हैं, जीवाणु 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 जो भी है उसमें। एंड उसके बाद हम लोग और क्या डिस्कस करते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हम लोग फिल्ट्रेट करेंगे ना, जो घुले हुए, जो उससे नहीं हट पा रहे। ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गया। ठीक है, तो ये सब सारा चीज हो गया, तो आप इसको देख सकते हो कि फ्लॉक्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास फिल्टर भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे फिल्टर की अगर हम बात करें, फिल्टर वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आप लोग को, कि हमारे पास ग्रेविटी फिल्टर होती है, एक प्रेशर फिल्टर होता है। ग्रेविटी फिल्टर, प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर इज ऑफ टू टाइप्स, राइट, जहां पे फ्लो, पानी का जो फिल्ट्रेशन का जो फ्लो है, जो भी आप समझ लो, जैसे कि आरओ आपके घर में क्या है, वो प्रेशर फिल्टर है। ठीक है, उसमें मोटर लगी होती है, आप देखते हो कि जीपीएफ, 80 GPF का मोटर लगा होता है, पंप लगा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है, वो पंप उसमें ऑस्मोसिस में प्रेशर डाल रहा होता है, राइट। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ जो सारा एक्शन है ना, वो पानी के फ्लो से होता है। तो यहाँ पे दो तरह के फिल्टर बनते हैं, एक स्लो सैंड फिल्टर, एक रैपिड सैंड फिल्टर। गॉट इट, एक स्लो सैंड फिल्टर है, एक रैपिड सैंड फिल्टर है। तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है कि रैपिड सैंड फिल्टर है और स्लो सैंड फिल्टर है। स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में आपको डिस्टिंग्विशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर और इसमें क्या क्या, इसका जो पूरा डिफरेंशिएशन है का, इसका एंड का डिफरेंशिएशन मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग नहीं भूलना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बार बार बनते हैं, है ना। डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, एसएसएफ में क्या है और आरएसएफ में क्या है। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर में आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट लो है, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में यही आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है। एंड उसके बाद आप लोग डिस्कस कर सकते हो इसमें कि जो इसमें रिमूवल, बैक्टीरिया रिमूवल एफिशिएंसी 99% ज्यादा है ऐसे स्लो सैंड फिल्टर में, रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में थोड़ा कम है। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर में 3 डिफेक्ट्स देखे गए हैं। रैपिड सैंड फिल्टर में 3 डिफेक्ट्स देखे गए हैं, कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एमसीक्यू यहां से बनता है, याद रखिएगा। एयर बाइंडिंग हो गई, मड बॉल फॉर्मेशन हो गया, मड बॉल फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ सैंड बेड हो गया, बंपिंग ऑफ फिल्टर बेड हो गया। ओके, सो ये रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन में बहुत एमसीक्यू बनते हैं, इसका डिफरेंशिएशन का टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, आपको इसे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको यही पता होना चाहिए कि इसका D10 साइज क्या है, इफेक्टिव D10 साइज क्या है, था है ना, तो इसका आपको पता होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज आपको पता होना, CU पता होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ इनफॉर्मिटी के क्या रेंज है इन दोनों में। तो ये सब सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ से बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ से बनते हैं। ओके, सो चलते हैं अगले में। अब हम लोग बात कर रहे थे फिल्ट्रेशन के बारे में, हमने डिस्कस कर लिया कि फिल्ट्रेशन क्या होता है, आइए अब देखते हैं कि अगला क्या है। अगला हमारे पास डिसइन्फेक्शन, व्हाट इज डिसइन्फेक्शन, व्हाट इज डिसइन्फेक्शन। ठीक है, तो जब भी एक बात आपको बताता हूं, जो आप लोग ऑइंटमेंट एंटीसेप्टिक यूज करते हो ना, एंटीसेप्टिक जो ऑइंटमेंट यूज करते हो और जो डिसइन्फेक्टेंट जो भी होता है, जैसे कि आप ब्लीचिंग क्लोरीन हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो क्लोरीन की मात्रा होती है 1% से कम होती है, और डिसइन्फेक्टेंट में क्लोरीन की मात्रा 1% से ज्यादा होती है।
ये जो एंटीसेप्टिक होता है, जो हम लोग अपनी जैसे कहीं पे कट लग गए हमें बॉडी पे या फिर कुछ भी है, अगर एंटीबायोटिक कुछ भी डिजीज है, अगर है ना फंगल है कुछ भी है, बैक्टीरियल डिजीज है स्किन पे, तो वो वहां पे हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं। तो एंटीसेप्टिक जब लगाते हैं तो उसमें जो क्लोरीन का कंटेंट या फिर आयोडीन का जो भी कंटेंट होता है वो 1% से कम होता है। लेकिन वही डिसइन्फेक्टेंट किसको बोलते हैं बच्चों? डिसइन्फेक्टेंट उसको बोलते हैं जिसमें क्लोरीन की या आयोडीन वगैरह जो जिसकी मात्रा 1% से ज्यादा रहेगी, दैट इज कॉल्ड डिसइन्फेक्टेंट। तो इस बात को आप लोग भूलेंगे नहीं, ठीक है? डिसइन्फेक्शन होता है, एक स्टरलाइजेशन होता है। स्टरलाइजेशन क्या होता है? सभी तरह के माइक्रो, इसमें क्या होता है कि जो डेडली है ना, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, हार्मफुल, डेडली हार्मफुल, इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका रिमूवल, ठीक है? तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनका रिमूवल। एंड स्टरलाइजेशन में होता है कंप्लीटली रिमूव ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको आपको भूलना नहीं है, इसको आपको अच्छे से काउंट करके रखना है, ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरह के मेथड्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं, आता है डायरेक्ट एमसीक्यू में। मेथड ऑफ डिसइन्फेक्शन आपको यहां से मिलता है कि मेथड ऑफ डिसइन्फेक्शन क्या होता है। फिजिकल हो गया, एक केमिकल हो गया, है ना? दो तरह के मेथड्स होते हैं। फिजिकल क्या क्या हो सकता है? ये बॉइलिंग हो सकता है यूवी रे से, आप देख सकते होगे कि यूवी रे में पास करवाते हैं, है ना? तो ये सब सारे चीज आप लोग केमिकल, फिजिकल, केमिकल। और इसके बाद फिजिकल में आप लोग देख सकते हो कि फिजिकल में क्या क्या होता है। एक मान लीजिए यूवी रे हो गया, जैसे आरओ को उसमें जब पास करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जैसे आरओ वाला मशीन होगा आपके घर में, तो उसमें आप देखना कि इसमें एक आरओ यूवी रे का एक ट्यूब होती है, तो उस ट्यूब के थ्रू पानी को पास करवाया जाता है, ठीक है? एंड अगेन बॉइलिंग इज अनदर थिंग, बॉइलिंग तो कभी हटेगा ही नहीं फिजिकल से। केमिकल में हमारे पास बहुत सारे एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ओके, मेटल आयन हो गया, एंड अल्केलीज, अल्केलीज वाला मेथड हो गया। तो यू डोंट हैव टू, आप इसको फॉरगोट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एंड आपको ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है? एंड उसके बाद आपको हम बात कर रहे थे, डिसइन्फेक्शन की हो गई थी बात, उसके बाद हम लोग डिसइन्फेक्शन हो गया, और इसी के अंदर क्लोरिनेशन भी आता है। क्लोरिनेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठ के आता है, जैसे कि आपको होना चाहिए कि आपके पास होना चाहिए कि प्लेन क्लोरिनेशन क्या होता है, प्लेन क्लोरिनेशन क्या होता है, ठीक है? प्री क्लोरिनेशन क्या होता है? तीसरा, सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है, ठीक है? सुपर क्लोरिनेशन क्या होता है, सुपर क्लोरिनेशन कब करते हैं, कैसे करते हैं? ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है, इसका पूरा एनालिसिस आपको करना होगा। और कहीं भी YouTube में लेक्चर इसका मत देखिएगा, चुपचाप जाके पहले तो आप डिटेल लेक्चर करोगे, ठीक है? अच्छे से किसी भी कोर्स में यहां से ले सकते हो, कहीं और से ले सकते हो, लेकिन करना बहुत जरूरी है। बिना ये सब नहीं करेंगे अधर बुन में रह जाएंगे और ये सब टॉपिक्स कंप्लीट भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है? कोई यहाँ पर आप लोग ना मेहनत से मत भागिए, मेहनत से नहीं भागना है, डेडिकेटली प्रिपेयर करना है। फैंसी टीचर्स और ये रील वाला टीचर नहीं बनना है, ठीक है? रील वाले टीचर से तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है, दे आर ऑल केवल शो ऑफ के लिए आते हैं और व्यूज बटोरने के लिए आते हैं। तो इसके लिए आपको ये सब चीजों के उसमें चंगुल में नहीं पढ़ना है, आपको क्या करना है कि एक डेडिकेटेड कोर्स लेना है, कितना भी महंगा लगे। लेकिन वो कहते कहावत है ना, महंगा रोए एक बार सस्ता रोए बार बार, ठीक है? हालांकि हमारा कोर्स बहुत अफोर्डेबल है, आप जाके लेक्चर्स देखो इसके, ठीक है? तो आप इसमें जाके अकाउंट कर सकते हो कि सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल, सब चीजें आप इसमें जाके देखो, ठीक है? तो आपको अकाउंट करना पड़ेगा ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन क्या होता है, ठीक है? एंड उसके बाद हमारे पास पूरी जो रिएक्शन थ्योरी है क्लोरिनेशन की, रिएक्शन ऑफ क्लोरिनेशन, कैसे कैसे हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बनता है ना? इसका फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ बता दूं आपको, जैसे NH2Cl का प्रिपरेशन हो गया, NHCl उसका प्रिपरेशन हो गया, NaCl2 का हो गया, NCl3 का हो गया। तो ये सब सारा रिएक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो इसके साथ आपको यही पता होना चाहिए क्लोरीन डिमांड कैसे निकालते हैं। पूरी क्लोरीन की स्लाइड में आपको यही बता देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन डिमांड का न्यूमेरिकल यहां से आता है, क्लोरीन डिमांड का FPH का FPH के ऊपर इफेक्ट क्या रहता है, क्लोरीन डिमांड कैसे निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है?
इसमें और एक प्रोसेस होता है रेसिडुअल क्लोरीन टेस्ट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, रेसिडुअल क्लोरीन टेस्ट। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसमें डीक्लोरिनेटिंग एजेंट कौन से होते हैं। भाई क्लोरिनेशन ज्यादा हो गया तो आप उसको कम तो करोगे ना कि नहीं करोगे, ये कौन जिम्मेदारी है, क्या लोगों को मरने के लिए छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वाटर सॉफ्टनिंग की हम जब बात करते हैं, वाटर सॉफ्टनिंग की बच्चों अब अगले सेशन पे आ गए। आप देखिएगा हमने डिसइन्फेक्शन की सारी बातें कर ली, बेसिक बेसिक, ठीक है, डिसइन्फेक्शन की सारी बातें कर ली। एंड कहाँ गया, काफी ज्यादा पीछे, देखिए डिसइन्फेक्शन हो गया, अब वाटर सॉफ्टनिंग एंड माइनर ट्रीटमेंट है ना, तो ये सब सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, वाटर सॉफ्टनिंग के बारे में। तो वाटर सॉफ्टनिंग हम लोग कैसे करते हैं, हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, सबको पता होगा, ये बचपन से पता होगा, क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में ये सब में पढ़ते आ रहे हैं। टेम्पररी हार्डनेस है ना, पानी को सॉफ्ट बनाना है, टेम्पररी है, परमानेंट है। परमानेंट क्यों होता है और टेम्पररी क्यों होता है अच्छे से पता होना चाहिए। टेम्पररी इसलिए होता है कि कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इसलिए होता है, ठीक है। परमानेंट क्यों होता है, सल्फेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, तो ये सब सारा चीज है, ठीक है। तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है। कैसे इसको रिमूवल करेंगे, टेम्पररी का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है और परमानेंट का रिमूवल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो इसको आपको अकाउंट करके रखना है। टेम्पररी को कैसे इलिमिनेट करते हैं, बॉइलिंग से करते हैं, ओके। और लाइम एडिशन, चूना डालते हैं ना कुएं में, अगर आपको पास कुआं होगा तो वहां पे लाइम डालते थे पहले, ठीक है। तो ये सारा चीज रिमूवल। एंड इसके बाद अगर परमानेंट हार्डनेस है तो हमारे पास कुछ टेक्निकल मेथड होते हैं, जैसे कि लाइम सोडा मेथड, लाइम सोडा बोलते हैं, जियोलाइट सबसे अच्छा होता है। कई बार एमसीक्यू पूछ लेगा कि बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा से रिमूव करता है, किसके पास ज्यादा एफिशिएंसी होती है रिमूवल की, वाटर सॉफ्टनिंग कौन अच्छे से करता है, तो उसमें ऑप्शन होगा लाइम सोडा, जियोलाइट और आयन एक्सचेंज प्रोसेस। आयन एक्सचेंज प्रोसेस डीमिनरलाइजेशन, ठीक है, एक अलग टेक्निक है। तो आपको सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा कौन सा, आयन एक्सचेंज मेथड सबसे ज्यादा अच्छी एफिशिएंसी देता है, राइट। डी मिनरलाइजेशन, सो यू डोंट हैव टू, मतलब आपको वो नहीं करना है। और इसके बाद जो माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं हमारे, देखिए एनवायरमेंट और सॉयल बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट, इसमें आपको करने में बहुत मेहनत भी लगेगी और हर चीज याद करने में आपको समय भी लगेगा। वाटर सॉफ्टनिंग हो गया या फिर सॉरी माइनर ट्रीटमेंट्स हो गए, जैसे कि माइनर ट्रीटमेंट हो गए, जैसे कि क्या क्या, जैसे कि उसका हम लोग एक्टिवेटेड कार्बन करते हैं ना, आजकल एक्टिवेटेड कार्बन हो गया, आप लोग देखते होंगे कि आजकल आरओ में हम लोग कॉपर का टैंक प्रोवाइड करते हैं, है ना, कॉपर टैंक प्रोवाइड करते हैं आरओ में, ये सब माइनर ट्रीटमेंट में ही आता है, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि उसमें कुछ जरूरी, केंट वाटर में क्या होता है, केंट का पानी सबसे महंगा होता है, ठीक है, हालांकि WHO ने केंट की पानी पर, केंट के आरओ वाटर पर रोक लगाई है, बट कॉपर टैंक हो गया, पहले क्या होता था कि जो केंट के कुछ मिनरलाइज वाटर आते थे तो उसमें क्या होता था, मिनरल के बड़े बड़े ढोके, मतलब फ्लॉक्स, पत्थर रखे रहते थे टैंक में, आरओ के टैंक में, तो वहां से एक्टिव माइनर ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, जरूरी सॉल्ट एड ऑन हो जाते हैं, तो ये सब बहुत जरूरी है ना। उसके बाद एक आप देख सकते हैं कि फ्लूटेशन कैसे होता है, फ्लूटेशन के बारे में आप लोग पढ़ लेना कि फ्लूटेशन का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आ जाता है, रेयर है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स दैट आपको अकाउंट करके रखना है। एंड अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए सी यू एंड टेक केयर गाइस।